नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं कुछ सामान लाई हूँ। दिवाली का टाइम चल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो बहुत मन करता है कि ये ले लें वो ले लें। अब की बार यहाँ पर पटाखे तो मिल नहीं रहे हैं, कोलकाता में बिल्कुल बंद हैं, तो पटाखों की जगह मैंने और थोड़ी सी शॉपिंग की है। मिट्टी के कुछ सामान और लिए हैं तो वो आपको दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, देखिए कितना सुंदर ये विंड चैम है, पूरा मिट्टी का है। और इसमें देखिए किस तरह से कितनी कलाकारी की है, घंटी बनाई है, चिड़िया भी है, इतना सुंदर है। तो इसको मैं इंडोर गार्डन में इस तरह से कितनी कलाकारी की है, घंटी बनाई है, चिड़िया भी है, इतना सुंदर है। तो इसको मैं इंडोर गार्डन में टांगूंगी, बहुत ही अच्छा लगा। और ये सिर्फ 100 रुपये का है, इतनी सस्ती चीज़ें आ जाती हैं मिट्टी की और बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। ऐसे ही मिट्टी के खिलौने होते हैं, बहुत सस्ते आ जाते हैं और इतने सुंदर सुंदर होते हैं। इसके अलावा एक ये देखिए दिए, हाथी के ऊपर 5 दिए बने हैं, ये लिया है, कितना सुंदर लग रहा है। ये 50 रुपये का है। और ये देखिए एक इस तरह का ये सुराही जैसा लिया है, इसमें मैं मनी प्लांट लगाऊंगी। तो इस तरह से पानी में हम मनी प्लांट लगा के इसमें रख सकते हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसका जो डिज़ाइन है बहुत सुंदर है। ये भी 40-50 रुपये का ही है। मिट्टी की सभी चीज़ें बहुत ही सस्ती आ जाती हैं, 40-50 रुपये, 100 रुपये में। देखिए एक ये बड़ी लालटेन और ली है मैंने, ये जो मैंने पहले ली थी। अब की बार यहाँ पर ऐसा सामान ज़्यादा मिल रहा है, पिछली बार ऐसा इतना ज़्यादा नहीं मिलता था मिट्टी का। तो ये सब सरकार की वजह से ही हो रहा है, मिट्टी के सामान जो बनाने वाले कुम्हार हैं उन सबको सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है, जिसकी वजह से इतनी सारी चीज़ें इस बार मार्केट में मिल रही हैं मिट्टी की। एक मैंने पानी की बोतल ली है, मेरे पास पानी पीने की बोतल नहीं थी, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, तो मिट्टी की ली है मैंने, अच्छी रहती है मिट्टी की, इसमें पानी भी अच्छा रहता है। और इसको भर के हम अपने साथ साथ लेके कहीं भी बैठ सकते हैं, क्योंकि फिर पानी पीने की आदि नहीं रहती है। तो प्लास्टिक या फिर कांच से अच्छा है मिट्टी की बोतल। तो ये 100 रुपये की है बोतल। तवा एक ये लिया है जो फ्लावर वगैरह रखने के लिए बहुत अच्छा है, वास, ये 60 रुपये का है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है 60 रुपये में। तो ये देखिए कितना सुंदर इसका डिज़ाइन है ऊपर से। ये कुछ और दिए लिए हैं, ये देखिए कितना सुंदर ये कमल का फूल बना हुआ है, इसके अंदर दिया है, कितना सुंदर, कितनी मेहनत से इसको बनाया होगा। और ये इस तरह से खुल भी जाता है, देखिए इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर रखा था, इस तरह से हम इसको खोल सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे फूल के अंदर से दिया निकल रहा है। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन है। ये अभी 50 रुपये का है, लेकिन कितनी मेहनत की है आप देखिए, इसकी पत्तियों पर भी डिज़ाइन है और इतना सुंदर चारों तरफ फूल है, बीच में दिया है, और 50 रुपये में तो कुछ भी नहीं है, कितनी मेहनत की है इसमें। देखिए दोस्तों एक ये विंड चैम लिया है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और ऊपर इसमें हांडी है, उसमें से सारे लटके हुए हैं, बहुत ही बड़ा और बहुत सुंदर है ये, एकदम अलग लग रहा था। तो ये थोड़ा सा महंगा है, लगभग 390-380 का ऐसा है ये, लेकिन जिस हिसाब से ये इतना बड़ा है, अगर हम कहीं भी ऑनलाइन वगैरह मिट्टी के बिना किसी और चीज़ का लें तो ये 1000 या 1500 का आएगा, का नहीं है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। ये मैं इंडोर गार्डन में ही टांगूंगी, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इनको कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये बचे रहें, क्योंकि मिट्टी के हैं तो इनको संभालना भी बहुत ही मुश्किल रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर है ये, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो मिट्टी के आइटम आप देखिए कितने कम पैसों में और कितने सुंदर सुंदर आ जाते हैं,
कितनी मेहनत की है इसमें, जितनी मेहनत की है उस हिसाब से तो कुछ भी पैसे इसके नहीं हैं। और ये कुछ दिए हैं, और एक ये देखिए, ये पैर साफ करने का मिल गया था तो ये ले लिया। देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन बना रखा है। देखिए दोस्तों ये कितना सुंदर है, ये अगरबत्ती लगाने का है। इसमें ऊपर काफ़ी सारे छेद हैं और नीचे अगरबत्ती की राख जो जिस गिरती है उसके लिए जगह है। और कितना सुंदर ये बनाया है, देखिए रखा हुआ भी कितना सुंदर लगेगा। और ये सिर्फ 40 रुपए का है, कितना सुंदर है देखिए। ऐसी चीज़ें तो ऐसे ही रखी हुई भी इतनी अच्छी लगती हैं। देखिए दोस्तों ये एक दिया है जो बस 20 रुपए का है। इसमें काफ़ी नीचे बीच में इस तरह से डंडी है और आराम से हम इसको ऐसे रख सकते हैं। दोस्तों मिठाई में और बहुत सारे पटाखों में तो हम पैसे खर्च करते ही हैं। थोड़ा बहुत मिट्टी का सामान भी अगर हम ले लें दिवाली पर, तो जो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं कुम्हार और जो दिन रात मिट्टी के सामान बनाते हैं, उनकी दिवाली भी अच्छी हो जाएगी। तो कोशिश करिए कि कुछ मिट्टी का सामान खरीदें, जिससे उन लोगों के यहाँ भी दिवाली अच्छे से मने और उनका उत्साह बढ़े, अगली बार वो और अच्छी चीज़ें बनाएं। हमारे देश की चीज़ें हैं, स्वदेशी चीज़ें हैं, इनको जितना ज़्यादा आप खरीदेंगे तो हमारे देश का ही भला होगा। तो ये सब चीज़ें मैंने खरीदी हैं इस बार, जो बहुत ही बढ़िया हैं हमारे पर्यावरण के लिए भी, मिट्टी का सारा सामान है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली, बाय।